खबर है मथुरा की, जहां मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र के गोपाल बाग में आज उस समय हड़कंप मच गया जब सेफ्टी टैंक में सफाई का कार्य कर रहे दो मजदूरों की टैंक में गिरने से मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना आनन फानन में स्थानीय पुलिस को दी गई। बता दें कि मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र स्थित गोपाल बाग में सुरेश चंद्र भाटिया के घर की सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए आए मजदूरों को बुलाया गया था, जिसमें सफाई का कार्य करते समय सफाई कर्मी विष्णु पुत्र मदन का अचानक से पैर फिसल गया और वह टैंक में जा गिरा। विष्णु को टैंक में गिरता देख उसके साथ ही काम कर रहे दीपक पुत्र मंगल ने भी उसे बचाने के लिए टैंक में छलांग लगा दी और वह दोनों अंदर जाकर फंस गए। टैंक में गिरने के कारण दोनों की मौत हो गई। उनके तीसरे साथी की भी हरिओम की सफाई करते समय हालत बिगड़ गई, जिसे चिंताजनक हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तीसरे घायल मजदूर को गंभीर हालत चिंताजनक दिखते हुए मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर एसडीएम छात्रा रिपीट वहीं घटना की सूचना पाकर एसडीएम छाता नितिन गौर व सीओ छाता भी मौके पर पहुंच गए, जहां मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे में घायल तीसरे युवक का इलाज करवाया जा रहा है। कोसी कला थाना क्षेत्र अंतर्गत ये समाचार मिला कि दो युवकों की सेप्टिक टैंक में मृत्यु हो गई है काम करते हुए। तो सूचना मिलने के उपरांत राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और ये अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इन दोनों मृतकों के शवों को देखा गया है और इनको परिवार वालों से बात करके सांत्वना करके इनको किसान सड़क बीमा योजना और मुख्यमंत्री विवेकानंद कोच से जो मैक्सिमम दोष है वो प्रदान करने की आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट और द प्रिवेंशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में तहरीर देने के लिए बोला गया, ताकि मुकदमा उस प्राइवेट लैंडलॉर्ड के खिलाफ कायम हो सके जिन्होंने तथाकथित तौर पे इनको बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के सेप्टिक टैंक में क्लीनिंग करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके अलावा नगर पंचायत चेयरमैन ने भी मृतक के परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया है और अभी ध्यान रखा जा रहा है कि सारी पोस्टमार्टम की कार्रवाई समय से हो जाए, ताकि बाद में क्लेम के निस्तारण में कॉज ऑफ डेथ को लेकर कोई संशय ना बने और मृतक और उनके परिवारों को ससमय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ये जो मृतक हैं उनके नाम दीपक और विष्णु हैं और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम हरिओम है, जिनका इलाज अभी मेहती अस्पताल से चल रहा है और इन सबकी उम्र 30 से 34 वर्ष के बीच में है, 28 से 34 वर्ष के बीच में। नहीं, विरोध नहीं है, दुख का माहौल तो था ही। इसमें मृतकों के परिवार जनगर एकत्रित हुए थे, वहाँ पे मृतकों के परिवार के परिवार उनको एक गहरा सदमा है। बस पुलिस और प्रशासन लेकिन मृतकों के साथ है और उनको उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए और मैक्सिमम पॉसिबल जो अनुरोध है वो दिलाने के लिए पूरा कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।